हेलो एवरीवन वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर जिसका नाम है नाउंस हम इसमें नाउंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले नाउन होता क्या है नाउन मतलब संज्ञा संज्ञा जैसे कि आप जानते हैं ये नाम होता है किसी भी वस्तु किसी भी इंसान जानवर या जगह का इसमें आप कोई इमोशन या कोई आइडिया भी लेके चल सकते हैं जैसे कि स्कूल हो गया किसी का नाम जैसे राम शाम डॉग कैट ब्रेव करेज ये सब आपके नाउंस में आते हैं तो नाउन की डेफिनेशन आ जाती है आपकी अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल्स थिंग आइडिया और इमोशन ये सारे क्या होते हैं नेमिंग वर्ड होते हैं सबसे पहले जो इनके दो, दो टाइप हम पढ़ेंगे वो हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन कॉमन और प्रॉपर नाउन में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कॉमन नाउन्स जो होते हैं उसमें किसी भी जगह वस्तु या स्थान का पर्टिकुलर नेम नहीं बताया जाता है ये हम एज एन कलेक्टिव एक काइंड का नेम बताते हैं जैसे कि स्कूल अब यहाँ स्कूल कहा गया है यानि कि इसमें सारे स्कूल इंक्लूड हो जाते हैं आप अगर पर्टिकुलरली किसी स्कूल का नाम बताएंगे जैसे मैंने कहा आज़ाद हाई स्कूल तो आज़ाद हाई स्कूल एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम है तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन अब गार्डनर गार्डनर वो होता है जो गार्डनिंग करते हैं अब मैंने गार्डनर कहा तो वो कोई भी गार्डनर हो सकता है हमें उसका एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं जब मैं किसी का नाम ले लूँगी जैसे कि रमेश या सुरेश तो मुझे पता चलेगा कि पर्टिकुलरली हम उसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा आ जाता है प्रॉपर नाउन ठीक है कॉमन नाउन आर दी जर्नल नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस और थिंग ऑफ अ सेम काइंड दे डू नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर पीपल प्लेसिस और थिंगस ठीक है और इनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो पर्टिकुलरली किसी प्लेस थिंग या किसी भी पीपल का नाम लेते हैं तो इसलिए हम इसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं रहीम माउंट अबू थर्सटे पैपसी यानी कि जो भी ब्रांड या जो भी नाम है या किसी जगह का नाम है वो पर्टिकुलरली आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है अब आते हैं हमारे पहले इसके क्वेश्चन पे अंडरलाइन सी एन अबव प्रॉपर नाउन मतलब पहले तो आपने ये सेंटेंस लिखना है फिर उसके नीचे अंडरलाइन करना है जो प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है और फिर उसके ऊपर ही आपने पी एन प्रॉपर नाउन के लिए लिखना है और सी एन कॉमन नाउन के लिए लिखना है जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट राइटर अब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद एक इंसान का नाम है तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे आप और ऊपर क्या लिखेंगे इसका पी एन यानी कि प्रॉपर नाउन वॉज अ ग्रेट राइटर अब राइटर एक पूरी काइंड का नाम बताया गया कि जिसमें कोई भी राइटर आ सकता है तो ये भी एक नाउन है पर ये किस में आ जाएगा कॉमन नाउन में तो इस पे आप अंडरलाइन करेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे सी एन यानी कि कॉमन नाउन इसी तरीके से आपने ये बाकी भी करने हैं तो मैं आपको इसके आंसर्स बताती जाती हूँ ही रोट मैनी बुक्स इन हिंदी यहाँ पे बुक्स है आपका कॉमन नाउन और हिंदी है प्रॉपर नाउन थर्ड वन ऑफ हिज फेमस बुक्स इज गोदान तो बुक्स आ गया आपका कॉमन नाउन और इस बुक का नाम है गोदान इसलिए गोदान क्या आएगा आपका प्रॉपर नाउन आगे फोर्थ है हिज बुक्स आर जनरली सेट इन दिलेज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया तो इसमें आपका बुक्स और विलेजेस ये आएंगे आपके कॉमन नाउन में और इंडिया आएगा आपका प्रॉपर नाउन आगे हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेज अब यहाँ पे बुक्स और लैंग्वेजेस ये दोनों ही आपके कॉमन नाउन आएंगे इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है नेक्स्ट है सिक्स्थ गोदान इज अवेलेबल इन उर्दू हिंदी एंड इंग्लिश अब यहाँ पे गोदान उर्दू हिंदी और इंग्लिश इन तीनों के नीचे आपने अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर लिखना है पी एन यानि कि ये तीनों ही क्या है प्रॉपर नाउन है आगे मूव ऑन करते हैं हम द वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज आर स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ अ लार्ज ग्रुप राइट द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स दे बिलोंग टू मतलब ये एक ग्रुप के अंडर आते हैं आपने उसके आगे उनके नाम लिखने हैं जैसे कि येलो ऑरेंज और ब्लू ये सब क्या है? Colors हैं कलर्स हैं सेकेंड है पीकॉक कॉक वुड पैकर ईगल ये सब क्या हैं बर्ड्स हैं तो इसके आगे आप लिखेंगे बर्ड्स थर्ड है फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन क्या आता है गेम्स नेक्स्ट है टी कोल्ड ड्रिंक्स एंड कॉफ़ी तो ये सब क्या होते हैं बेवरेजेस होते हैं आगे हैं गंगाज यमुना ताप्ती ये सब क्या हैं रिवर्स टेबल चेयर बेड ये सब आते हैं आपके फर्नीचर में टोक्यो मुंबई लॉस एंजल्स ये हैं आपकी सिटीज़ मैंगो बनाना वाटरमेलन, ये सब आपके आ जाते हैं फ्रूट्स संडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये आएंगे आपके डेज ऑफ दी वीक और नेक्स्ट है पेंसिल पेन नोटबुक तो ये आपके आ जाते हैं स्टेशनरी में ठीक है yeah. आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सी पार्ट में रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो चूज फ्रॉम द बॉक्स अ नेम दैट मैचेस ईच डिस्क्रिप्शन एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं और ऊपर आपको बॉक्स में उनके मतलब बताए हुए हैं जो जिसका करेक्ट मीनिंग आता है उसके आगे आपने लिखना है जैसे सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज जो मिठाइयाँ और पेस्ट्री बेचते हैं उसे क्या कहते हैं मिठाइयाँ और पेस्ट्री बेचते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कन्फेक्शनर ठीक है ऊपर आपको स्पेलिंग दी है आप उसमें से लिखेंगे सेकेंड है फ्लाइज एंड एरोप्लेन जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे बोलते हैं पायलट नेक्स्ट है बेक्स ब्रेड जो ब्रेड को बेक करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम बेकर आगे है एक्ट्स इन प्लेस और मूवीज जो फिल्मों में और सीरियल्स uh, में एक्टिंग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एक्टर ठीक है नेक्स्ट है ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन यानी कि जो हमेशा uh, ऐसे सोचता है कि सही चीज़ें होंगी उसे क्या कहते हैं हम ऑप्टीमिस्ट नेक्स्ट है डज नाट ईट मीट जो मीट नहीं खाते उन्हें बोलते हैं वेजिटेरियन आगे है ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है बुरा होगा ऐसा ही उसके दिमाग में चलता है उस तरह के इंसानों को कहा जाता है पेसिमिस्ट एर्थ है लव्स हिज और हर कंट्री जो अपने देश से बहुत प्यार करता है उसे कहते हैं पेट्रोट नेक्स्ट है इनवाइट्स गेस्ट टू अ पार्टी जो हमारे पार्टी में कोई भी गेस्ट बन के आता है स्पेशल गेस्ट उसे क्या कहा जाता है होस्ट और टेंथ है सेल्स स्पेक्टिकल्स स्पेक्टिकल्स कहा जाता है चश्मों को जो हमारे आई ग्लासेस होते हैं तो इनको जो बेचता है उसे क्या कहते हैं हम ऑप्टिशियंस इनकी स्पेलिंग्स आप ऊपर बुक में से देख लेंगे आगे हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन उसको संबोधित किया जाता है जो ग्रुप्स में होते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ थिंग ठीक है अगर एक पूरे क्रिकेट प्लेयर्स की है मतलब बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर हैं तो उनको हम किससे बोलते हैं एज एन कलेक्टिव नाउन टीम बोलते हैं तो ये जो टीम है ये क्या बताती है आपको कि उस टीम में एक से ज़्यादा लोग हैं तो ये क्या जाता एक, आ जाता है टीम वर्ड एक कलेक्टिव नाउन आ जाता है प्लेयर्स के लिए वैसे ही शीप शीप जो भेड़ बकरी अगर भेड़ बकरियों का झुंड होता है तो उसको हम कहते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप ठीक है अगर हम फ्लावर्स को बहुत सारे एक साथ फ्लावर्स को करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बुके यानी कि एक से ज़्यादा फ्लावर्स जब होते हैं कंबाइन में तो उसे कहा जाता है अ बुके ऑफ फ्लावर्स तो ये सब आते हैं आपके कलेक्टिव नाउन तो यहाँ पे डी है आपका चूज द करेक्ट नाउन टू टू कम्प्लीट ईच सेंटेंस अब यहाँ पर आप बॉक्सेस में दिया हुआ है आपको कि आपने क्या है इसमें तो इसमें जो भी करेक्ट होगा वो आपने भरना है अब बेल ऑफ डैश फेल ऑफ़ द कार्ट अब कार्ट क्या होता है ठेला अब ठेले में से क्या गिरा है बेल बेल का किसे कहते हैं कॉटन के लिए यानी कि अ के ढेर को बेल कहा जाता है जिसमें आएगा अ बेल ऑफ कॉटन फेल ऑफ द काट नेक्स्ट है वी अ प्राइड ऑफ डैश रेस्टिंग नियर द पाउंड प्राइड जो वर्ड है वो हम लॉइंस के लिए यूज़ करते हैं यानी कि अ झुंड जो शेरों का झुंड होता है उसको प्राइड कहा जाता है यहाँ पे जो भी आपको रेड कलर में दिए हुए हैं वो सब कलेक्टिव नाउन दिए हुए हैं ठीक है थीके? अब वो कलेक्टिव नाउन हम किसके लिए यूज़ करते हैं वो आपने फिल करना है तो यहाँ पे प्राइड के लिए आएगा, आएगा आपका लॉइंस अ गैगल ऑफ डैश वॉज स्विमिंग इन द लेक गैगल किसके लिए हम यूज़ करते हैं गीस के लिए नेक्स्ट है द चाइल्ड वॉज लॉस्ड इन द्राउड ऑफ डैश आउटसाइड द थिएटर अब क्राउड क्या होता है क्राउड हम किसके लिए यूज़ करते हैं लोगों के लिए इसमें आएगा पीपल अ ट्रूप ऑफ डैश वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जो ट्रूप है ट्रूप हम किसके लिए यूज करते हैं डांसर्स के लिए ठीक है तो इसमें आएगा डांसर्स

बंच ऑफ यहाँ पे ग्रेप्स के लिए कहा गया है नेक्स्ट है द एक्सप्लोर अ फ्लीट ऑफ टेन डैश जो फ्लीट वर्ड है वो हम शिप्स के लिए कहते हैं ठीक है आगे है अखिल रिकोगनाइज अ फ्यू कंस्टिलेशन किसके होते हैं स्टार्स के अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अ अंग्रीगेशन ऑफ डैश असेंबल टू प्रे तो इसमें आते हैं आपके डेवोटीज जॉन up द फ्लाइट ऑफ डैश ये जो फ्लाइट वर्ड है ये स्टेयर्स के लिए कहा जाता है कि सीढ़ियाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ जो होती हैं उनको फ्लाइट कहा जाता है द सूट ऑफ डैश बुकड फॉर अस वूज अब ये जो सूट वर्ड है ये किसके लिए कहा गया है यहाँ पे रूम्स के लिए ठीक है नेक्स्ट है आपका सुमन बॉट अ स्ट्रिंग ऑफ डैश फॉर हर मदर ये जो स्ट्रिंग वर्ड है ये किसके लिए यूज़ करते हैं पर्ल्स के लिए यानी कि मोतियों के लिए तो सुमन बॉट अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स फॉर हर मदर तो ये आप लिखने है इसमें। है, हैं इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं करेक्ट द मिस्टेक्स इन द यूज़ ऑफ करेक्टिंग नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड रीराइट दिम अब यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन यूज़ किए हैं सेंटेंसेस में वो गलत हैं और आपको उसको सही करके लिखना है तो मैंने आपको बताया था कि प्राइड हम किसके लिए यूज करते हैं लॉइंस के लिए तो यहाँ पे प्राइड गलत है तो इसकी जगह क्या आएगा अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स गैदर्स अराउंड द विनर ठीक है तो यहाँ पे प्राइड की जगह आएगा क्राउड नेक्स्ट है माई सूट केस रोल्ड डाउन द फ्लाइट ऑफ चेयर्स फ्लाइट किसकी होती है स्टेयर्स की तो यहाँ पे आपने चेयर्स की जगह स्टेयर्स लिखना है और वही सेंटेंस रीराइट करना है my suitcase rolled down the flight of stairs next है did you find a bouquet of keys on his table तो bouquet of keys तो होता नहीं keys कीज के लिए हम बंच यूज करते हैं तो यहां आप लिखेंगे did you find a bunch of keys on this table next है the ship had a team of singers abroad तो सिंगर्स के लिए हम टीम यूज नहीं करते कोर यूज करते हैं तो आप लिखेंगे the ship had a कोर ऑफ सिंगर्स अप्रॉड कोर की स्पेलिंग है सी एच ओ आई आर नेक्स्ट है आवर सम्बरीन फॉलो आउट आ शोल ऑफ गीज तो जो शोल वर्ड होता है वह गीज़ के लिए नहीं फिश के लिए यूज़ किया जाता है तो यहाँ आप लिखेंगे आवर सम्बरीज फॉलो आउट आ शोल ऑफ फिश नेक्स्ट है आपका फिलिंग द प्लैंक्स विद सूटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स में आपको कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं और जो आपका सही है वो आपने फिलिंग द प्लैक्स में भरना है तो फर्स्ट है द क्लर्क ट्रिप्ड एंड ड्रॉप द होल डैश ऑफ पेपर तो इसमें आएगा आपका शीफ ऑफ पेपर जो ऊपर आपको स्पेलिंग दी है एस एच ई ए एफ नेक्स्ट है अ लिटिल बॉय वॉज फ्राइटन बाई अ कॉलोनी ऑफ एंट्स थर्ड है अ बंच ऑफ जजेस सेट डाउन टू डिस्कस द मैटर तो बेंच ऑफ बेंच आएगा बी ई एन सी एच बेंच ऑफ जजेस ठीक है बंच नहीं लिखेंगे आप बेंच नेक्स्ट फोर्थ है आपका ड्यूरिंग आवर स्कूबा डाइविंग सेशन वी sorry सॉरी saw शोल्स ऑफ फिश darting अबाउट ठीक है फिश के लिए हम क्या करते हैं शोल नेक्स्ट है The colonel was very strict with his dash of soldiers. तो so soldiers के लिए हम use करते हैं army. The police are looking for the notorious dash of robbers. यानी कि इसमें भी आपका आएगा army of नहीं, sorry इसमें आएगा आपका gang of robbers. robbers के लिए gang होता है. The deer hid behind dash of trees. तो so trees के लिए क्या करते हैं clump. C L U M P, clump. नेक्स्ट है द टीचर greeted द डैश ऑफ pupils. इसमें आएगा द क्लास ऑफ pupils. आगे है दिस बिग बिल्डिंग हैज सेवरल सूट ऑफ offices. सूट्स यानी कि रूम्स के लिए करते हैं एस यू आई टी ई एस एंड लास्ट है आपका आफ्टर द प्रोग्राम bowed to टू audience. यानी कि ऑडियंस के सामने उन्होंने सर झुका के बो किया तो ये आते हैं आपके एफ पार्ट के मूव ऑन करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स अब आपने जो इसमें सुटेबल नाउन भरना है उसमें लिखना है मिस्टर पलान इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डैश ऑफ रितु टेक्सटाइल्स इसमें आएगा डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं द प्लेन फ्लू ओवर अ रेंज ऑफ माउंटेन माउंटेन्स जो कलेक्टिवली होते हैं एक साथ उनको रेंज ऑफ माउंटेन कहा जाता है जो है वो हम के लिए यूज करते हैं तो यहां पे आएगा हर्ड ऑफ काउस अ पैक जो वर्ड है हम वुल्व्स के लिए यूज करते हैं यानी कि भेड़ियों के लिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट अ पैनल ऑफ़ पैनल हम यूज करते हैं एक्सपर्ट्स के लिए अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर अबाउट द एक्सीडेंट नेक्स्ट है अस्व ऑफ जो स्वॉम वर्ड है वो हम बटरफ्लाइज के लिए यूज़ करते हैं अस्वॉर्म ऑफ बटरफ्लाइज डिसाइड ऑन द गार्डन नेक्स्ट है द कास्ट ऑफ एक्टर्स रीच द लोकेशन अर्ली इन द मॉर्निंग जो हम कास्टिंग करते हैं वो एक्टर्स की करते हैं एंड नेक्स्ट है अ मर्डर ऑफ डैश काउड आउटसाइड माय विंडो अब इसमें लास्ट जो आपका वर्ड बचता है वो आएगा क्रोस के लिए तो इसमें आप लिखेंगे अ मर्डर ऑफ क्रोस काउड आउटसाइड माय विंडो ठीक है मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारे नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं भाव इसमें आप किसी के आइडिया किसी की क्वालिटी या कोई भी हमारे भाव होते हैं जो फीलिंग्स होते हैं उनको आप दे सकते हो जैसे फ्रेंडशिप ऑनेस्टी हैप्पीनेस ये उस तरह के नाउन होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते जस्ट आप फील कर सकते हैं वो चीज़ महसूस कर सकते हैं ठीक है तो ये जो आपके इमोशंस, आइडियाज़ या कोई भी फीलिंग होती है वो सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आते हैं जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे ब्रेवरी बताया गया है जो ब्रेव वर्ड है वो एडजेक्टिव होता है लेकिन जब उसका हम ब्रेवरी कह के लिखते हैं यानी कि उसने बहुत ही बहादुरी दिखाई तो वो एक नाउन में कंसीडर हो जाता है तो ये जो ब्रेवरी वर्ड है ये क्या आ जाता है आपका नाउन ठीक है जैसे नोज नोज यहाँ पे क्या है आपका ये भी आपका वही है एक वर्ब दिया हुआ है लेकिन जब हम कहेंगे इसको नॉलेज में तो नॉलेज क्या आ जाता है आपका ऐबस्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपको कुछ नाउन्स दिए हुए हैं इनको हमने क्या करना है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको सर्कल करना है ठीक है तो इसमें आएंगे, आप सर्कल करेंगे सबसे पहले सौरव ग्रीफ होप एंगर, टॉलरेंस हैप्पीनेस एंड डेस्पेयर इन सबको आपने सर्कल करना है ये सब हमारी फीलिंग है इनको हम टच नहीं कर सकते नेक्स्ट आते हैं हम आई पार्ट में चेंज द वर्ड्स इन रेड इन टू अब्सट्रैक्ट नाउन एंड यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स अब आपको जो रेड कलर में दिए हैं वर्ड्स उनको हमने चेंज करना है किस में अब्सट्रैक्ट नाउन को ठीक है द करेजियस सोल्जर्स मूव्ड अहेड एवरी वन देम एवरीवन एवरी वन द सोल्जर फॉर देयर करेज ठीक है नेक्स्ट वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स तो यहाँ पे क्या आएगा लेट्स शो kindness to animals आगे है द टीचर वॉज पेशेंट विद द चिल्ड्रन यहाँ पे आप लिखेंगे द टीचर शोड अ लॉट ऑफ पेशेंस विद द चिल्ड्रन नेक्स्ट है लेजी पीपल ऑफन फेल यहाँ पे लिखेंगे आप सम पीपल ऑफन फेल ड्यू टू देयर लेजीनेस नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट मिस्टर मैनन इज सो जेंटल दैट एवरी वन लाइक्स हिम तो यहाँ पे नीचे आएगा मिस्टर मैनन्स जेंटलनेस मेक्स हिम लाइकेबल टू एवरी वन तो ये जो हमने वर्ड चेंज किए हैं हमने किस में चेंज किए हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नेक्स्ट है जे पार्ट टिक द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स अब इसमें जो ब्रैकेट में जो सही है एब्सट्रैक्ट नाउन उसको आपने टिक करना है माय टीचर गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस तो आपने एडवाइस में टिक करेंगे द डिटेक्टिव इंटेलिजेंस हेल्प हिम्स ऑफ द केस तो इंटेलिजेंस पे टिक करेंगे प्राइड ऑलवेज हैज़ अ फॉल तो आप प्राइड पे टिक करेंगे यहाँ जो प्राइड है ये आपको एबस्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है ये कलेक्टिव नाउन नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्राइड ऑफ लॉइंस नहीं लिखा है प्राइड मतलब यहाँ जो आपका घमंड है या आपका जो आप अपने आप पर गर्व करते हैं वो चीज़ आइए ठीक है बीरपल्स विजडम मेड हिम फेमस इन अकबर किंगडम विजडम मतलब उसकी चतुराई सुभाष चंद्र बोस शोज ग्रेट पैट्रोटिज्म एंड फॉट फॉर हिज कंट्री उसने बहुत बड़ी देशभक्ति दिखाई थी अपने देश के प्रति ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये तो बहुत बड़ा थाट है ये आप सबको पता होगा तो इसमें क्या आएगा ऑनेस्टी नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब इसमें जो भी वर्ब आएंगे यहां कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा आपने भरना है ठीक है सबसे पहले है अराइव अराइव का आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन अराइवल ठीक है और चॉइस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका वर्ब क्या बन जाता है चूज c h o o s e नेक्स्ट है इन्वेंशन इन्वेंशन का आ जाता है इन्वेंट और नीचे आपको इनवेड दिया है इनवेड का होता है इनवेजन आई एन वी ए एस आई ओ एन नेक्स्ट है डिफेंड और इसका एब्सट्रैक्ट नाउन बन जाता है डिफेंस बाकी आपको एबस्ट्रैक्ट नाउन दिया है डिपार्चर इसका बन जाएगा डिपार्ट डिस्कवर का हो जाएगा डिस्कवरी डिस्ट्रक्शन का हो जाएगा डेस्ट्रॉय प्रिवेंशन का होता है प्रिवेंट और इंटरफेयर का होता है इंटरफेरेंसेस या इंटरफेरेंस ठीक है इस तरीके से आपने लिखना है इसको आगे चलते हैं हम एल पार्ट में फिलिंदा ब्लैंक्स विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स गिवन्स इन द ब्रैकेट ब्रैकेट में आपको जो वर्ड दिए हैं इनके आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं अंबिका नीडेड हर टीचर्स परमिशन टू लीव क्लास The doctors waited for the arrival of the child's mother. Hatred leads to violence. India achieved its freedom after much struggle. The length of this room is exactly the same as its width. There was a lot of excitement in the classroom when the teacher announced the picnic. तो इस तरीके से आपने ये चेंज किए हैं इन टू दैक्ट नाउन आगे है आपका पोजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन पोजेसिव मतलब जो हम बिलोंग करते हैं या जो जिस, जिस चीज पे हमारा अधिकार होता है ठीक है तो उसके आगे हम हमेशा एपस्ट्रॉफी और एस लगाते हैं एपस्ट्रॉफी किसे कहते हैं देखिए आपको दिया हुआ है टू सिंगुलर नाउन्स एड एन एपस्ट्रॉफी एंड एस यानी कि कोई भी अगर एक सिंगुलर वर्ड आपको दिया होगा तो हम पहले उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं फिर उसके बाद एस लिखते हैं लेकिन अगर आपको कोई भी एक प्लूरल वर्ड लिखा होगा प्लूरल मतलब बहुवाचक सॉरी बहुवचन में अगर आपको कोई भी चीज़ दिया होगा तो उसके आगे पहले एस लगेगा और फिर बाद में एपोस्ट्रॉफी लगती है ये हम आगे एग्जाम्पल्स में आपको मैं बताती हूँ जैसे एम आपको दिया हुआ है एड अपोस्ट्रॉफी वेर एवर रिक्वायर्ड इन दी गिवन सेंटेंसेस द टीचर्स टेबल वॉज पेंटेड रेड विच अनोयड हर वेरी मच अब टीचर्स यानी कि टीचर के टेबल तो टीचर के टेबल यानि कि टीचर फिर एपस्ट्रॉफी और फिर एस लिखेंगे आप ठीक है माई फादर्स ऑफिस इज नियर टू माई मदर्स शॉप अब फादर और मदर सिंगल पर्सनज हैं तो इसमें आप क्या लिखेंगे पहले एपस्ट्रॉफी इनके आगे और फिर एस लगाएंगे तो फादर्स और मदर्स में आप ये चेंज करेंगे नेक्स्ट है द वुमेंस ड्रेसेस वर वेरी एक्सपेंसिज इवन आफ्टर द डिस्काउंट अब वुमेंस मतलब औरतों के तो इसमें क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे वुमेन एपस्ट्रॉफी एस नेक्स्ट है अनिल इज पैकिंग अनु सीमा एंड संजेज़ लंच अब संजय एक इंसान है तो इसमें भी सेम आएगा संजय फिर एपस्ट्रॉफी फिर एस नेक्स्ट है थ्री बॉयज अब यहाँ पे थ्री यानी कि ये प्लूरल है तो यहाँ पे जो बॉयज़ आएगा उसमें क्या आएगा आपका बी ओ वाई एस फिर एपेस्ट्रॉफी लगेगी बाइक्स वेयर पार्कड इन दी ड्राइवे यानी कि जहां पे भी प्लूरल आता है वहां पे एपेस्ट्रॉफी एस के बाद लगती है Where is pencil box? अब हजिंदर एक ही इंसान है तो इसमें हम कैसे लिखेंगे हजिंदर फिर एपेस्ट्रॉफी और फिर एस नेक्स्ट है आई पुट ऑन पराजित्स हैट बाई मिस्टेक अब पराजित की हैट आपने गलती से लगा ली पराजित एक इंसान का नाम है तो इसमें भी सेम पहले पराजित लिखेंगे फिर एपस्ट्रॉफ़ी और फिर एस तो ये था आपका पहला चैप्टर और पहला यूनिट नाउंस के ऊपर आई होप आपको समझ भी आया होगा और आप इसको अपनी नोटबुक में आसानी से लिख पाएंगे जो भी मैंने आपको वर्ड दिए हैं उनकी स्पेलिंग्स आपको या तो आपको इसमें बुक में ही मिल जाएगी अगर आपको कोई चीज़ फिर भी नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें हमसे ज़रूर पूछें हम आपको इसकी स्पेलिंग भी लिख के ज़रूर बताएँगे So stay tuned with us and keep watching our videos. Thank you very much.